हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूट्यूब सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर में यूट्यूब चैनल को, यानी सभी यूट्यूब चैनल्स को नहीं, कुछ यूट्यूब चैनल को एक टूल मिलता है। उस टूल की हेल्प से अगर आपकी किसी वीडियो पर येलो डॉलर आ रहा है तो आप उसको ग्रीन डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्फ रेटेड देके। ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ता था, उसको रिव्यू में भेजना पड़ता था, फिर यूट्यूब की टीम जो है उसको रिव्यू करती थी। अगर उसको लगता है कि हाँ वीडियो सही है तब उसको ग्रीन डॉलर कर दिया करती थी, वरना वो येलो डॉलर ही रहता था। इस टूल की हेल्प से आप अपनी वीडियो को खुद से रेट कर सकते हैं। तो इस टूल के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, कितने सब्सक्राइबर बेस होना चाहिए जब आपको ये टूल मिलेगा, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। इस टूल को कैसे यूज़ करना है, ये चीज़ जो है आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस बात को जानते हैं कि यूट्यूब ने इस टूल का एक्सेस जो है डायरेक्टली क्रिएटर्स को क्यों दे दिया। कोरोना टाइम पे बहुत सारी वीडियोज़ जब मैनुअल रिव्यू के लिए गई तो वहाँ पर जो मैनुअल रिव्यू के लिए वीडियोज़ जाती हैं उनको बॉट्स जो है यानी रिव्यू नहीं करते, वहाँ पे एक ह्यूमन जो है उस वीडियो को रिव्यू करता है, अच्छे से देखता है, तब जाके वो डिसाइड करता है कि इसको जो है ग्रीन डॉलर देना चाहिए या येलो डॉलर देना चाहिए। तब ऐसे केस में फ्रेंड्स, कोरोना टाइम पे सभी एम्प्लॉयज़ छुट्टी पे थे तो यूट्यूब ने इस टूल का एक्सेस जो है डायरेक्टली क्रिएटर को दे दिया। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स बात यह है कि US वगैरह में और भी दूसरी कंट्रीज़ में इस टूल का एक्सेस जो है पहले से दूसरे क्रिएटर्स को मिला हुआ था, यानी बहुत सारे क्रिएटर्स जो है इसका यूज़ करते थे, और इंडिया में भी। अब यूट्यूब ने जिसको ज़रूरी समझा उसको, यानी उन चैनल्स पे यूट्यूब ने इस टूल का एक्सेस जो है दे दिया। अब ये टूल जब आपके चैनल पे आ जाता है तो आपको एक मेल रिसीव हो जाता है यूट्यूब की साइट से कि आपके चैनल पे ये जो है टूल का एक्सेस जो है इनेबल हो गया, आप इस टूल का जो है एक्सेस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हर टूल का जो है अपना एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे, अगर आप अपनी वीडियोज़ को खुद से रिव्यू करते हैं और ग्रीन डॉलर दे देते हैं तो क्या आपकी वीडियो को बाद में यूट्यूब चेक नहीं करेगा? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आपकी वीडियोज़ जो है बाद में खुद से यूट्यूब जो है बाद में चेक करता है, और यानी उसका जो AI है वो चेक करता है। अगर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम दिखती है आपकी वीडियो के अंदर तो वो आपका चैनल जो है वापस से रिव्यू में चल जाता है। एडसेंस डिसेबल नहीं होता है लेकिन आपका चैनल जो है रिव्यू में चल जाता है। जब आपका चैनल दोबारा से ह्यूमन द्वारा रिव्यू होता है तब ऐसे केस में अगर आपका चैनल सही है तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके चैनल पे ज़्यादा आपने रेटिंग ही, मान लो कि बहुत सारी वीडियोज़ आपके चैनल पे ऐसी है कि जिस पे जो है येलो डॉलर ही आना चाहिए और आपने जो है ग्रीन डॉलर जो है उस पे सेट किया हुआ है, तब ऐसे केस में आपका चैनल जो है डायरेक्टली टर्मिनेट भी हो सकता है बिना आपको कोई मैसेज भेजे। इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस टूल का जो है गलत यूज़ नहीं करना है। अब बात यह है कि इस टूल का यूज़ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे इस टूल का जो है एक्सेस मिल चुका है, तो चलिए देखते हैं कि इस टूल को कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए चलना होगा हमें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाए, 100% प्रोसेस हो जाए, उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मोनिटाइजेशन के लिए पूछेगा, आपको इनेबल करना है और कौन कौन से एड्स आप लगाना चाहते हैं वो सब सिलेक्ट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, अब आपके सामने एड सूटेबिलिटी का ऑप्शन आ गया। तो यही ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपनी वीडियो को रेट करना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपकी वीडियो में इस रिलेटेड कोई कंटेंट तो नहीं, जैसे इनएप्रिशिएट लैंग्वेज, अडल्ट कंटेंट, शॉकिंग कंटेंट, हार्मफुल डेंजरस एक्ट्स, ड्रग रिलेटेड कंटेंट, हेटफुल कंटेंट, फायर आर्म्स रिलेटेड कंटेंट, या किसी सेंसिटिव इशू पर आपने कोई इस वीडियो में कुछ बता तो नहीं रखा, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी इस वीडियो में नहीं है तो सिंपली नन ऑफ दी अबव पे क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आप करेंगे आपकी वीडियो का मोनेटाइजेशन जो है इंस्टेंटली इनेबल हो जाएगा और अपनी वीडियो को आप जो है पब्लिक कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो जो है जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूंगा। और फ्रेंड्स, इतना भी मेरे को जरूर बताना, क्या आपके चैनल पे इस टूल का एक्सेस मिल चुका है? अगर हाँ तो वो भी नीचे मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।